वैली के अध्यापक और विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत हमारा देश है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सन 1949 को भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है और हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और आपको पता होना चाहिए कि संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा है। इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन होता है और मुझे खुशी है कि ग्रीन वैली के बच्चे भी बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। सभी बच्चों और हिंदी अध्यापकों को मेरा धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल नेल्लिका परंब मुक्कम के प्रिंसिपल महोदय, अध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, तमाम हिंदी प्रेमियों के लिए खास दिन। जैसे कि हमें पता है, हमारे देश में लोग कई भाषाएं बोलते हैं। कोई भी आदमी उन सभी भाषाओं को नहीं सीख सकता है। सरकार भी उन सभी भाषाओं में अपना काम नहीं चला सकती, इसलिए वो कोई ऐसी भाषा चुनती है जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं और समझते हैं। वही भाषा देश की राजभाषा बनाई जाती है। जो थोड़े से लोग ये भाषा नहीं जानते, वे उसे सीख लेते हैं। इस तरह वो भाषा सारे देश की, सारे राष्ट्र की भाषा बन जाती है। दोस्तों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, संपर्क भाषा है। राजभाषा माने राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। संपर्क भाषा माने लिंक लैंग्वेज। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि रखना हर भारतवासी का कर्तव्य है। हिंदी भाषा की प्रगति के लिए भरसक प्रयास करना हमारा दायित्व भी है। इसके दौरान आपके विद्यालय में जो कोशिशें हो रही हैं, जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके विद्यालय में इस साल के हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन तहे दिल से करना चाहूँगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम करना चाहूँगा। हिंदी अपनी भाषा, यही राष्ट्र की भाषा, यही राष्ट्र की आशा। जय हिंद, जय हिंदी। मेरा नाम बाबर, मैं ग्रीमारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बताइए। नमस्ते, मेरा नाम फैला फातिमा, मैं ग्रीनवाली पब्लिक स्कूल पढ़ती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बधाइयां। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्राणिया रमी, मेरा स्कूल का नाम ग्रीनवाली है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बताया। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आरजू है, मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वैली है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बधाइयां। धन्यवाद।
आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। मैं हूँ ईसा मुगंजिल आपके साथ। आज मैं इस दिन और इसके महत्व के बारे में कुछ शब्दों बोलना चाहूँगा। क्या आप सभी को जानते हैं कि इस दिन का क्या महत्व है? जी हाँ, आज 14 सितंबर को भारत ने हिंदी दिवस माना जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा दर्ज किया गया था और भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन भाषा होने के साथ पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इतना कहकर मेरा छोटा सा भाषण यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। हिंदी भाषा का शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम फादी जयान है। मैं पहला कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है। आज सितंबर 14 हिंदी दिन की बताया, आओ सीखे स्वर और व्यंजन। आ से अनार, आ से आम, ई से इडली, ई से ईक, ऊ से उबहार, ऊ से ऊ, ई से इतू, ए से एल्बम, आई से आईनेट, ओ से ओगली, औ से औरत, अं से अंगूर, अह से कौली, आ से कमल, का से खरगोश, आ से गमला, घ से घड़ी, च से चम्मच, च से चटनी, जा से जहाज शिप, जा से झंडा, ता से टमाटर, ता से टंडा, जा से टफली। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नवाज है। मैं तीसरा कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम ग्रीनवाली है। आज 14 सितंबर हिंदी दिन की शुभकामनाएं। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान दो, ना कभी अपमान वो। संस्कृत जननी हिंदी उसका लाल है, हिंदी की बिंदी से सम
धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान दो, ना कभी अपमान वो। संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, आ हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से समके भारती का बाल है, आ भारती का बाल है। थोड़ी दो अब से किड़ो वर्षों पुरानी बेड़िया, वर्षों पुरानी बेड़िया। अब गुलामों की ही भाषा ना मेरी पहचान दो, हिंदी के कोर ऊंडो हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। धन्यवाद। नमस्ते बीते बोल। काले रंग का होता कालीगी, कोयल होती कोयल का सम्मान करे सब, कौवे की दुर्गदी होती। रंग से कुछ फर्क ना पड़ता, पड़े गुणों का मोल कौवा कौवा की कर्कश का को कोयल के मीठे बोल। प्यारा घर पाना है बच्चों मिसरी सा, मीठे बोल मधुर आवाज निकालो मुख से, कानों में बस गोलो। काले रंग का कौवा होती काली थी, कोयल होती कोयल का सम्मान करे सब, कौवे की दुगली होती। धन्यवाद। काला और सफेद, ये है काला, काला मींस ब्लैक, ये है सफेद, सफेद मींस व्हाइट। लाल, हाँ ये है लाल, लाल मींस रेड। आपको लाल लिखने जानते हैं? रुको, लाल। हरा, बहुत महत्व है तो जरूर सीखो। धन्यवाद।
हाकिम मोहम्मद है। मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में दूसरा कक्षा में पढ़ता हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज फलों के बारे में एक सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता में हम सेब, आम, अंगूर, पपीता और तरबूज के बारे सुनेंगे। सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल से प्यारा सेब, एक से जो हर दिन खाता, डॉक्टर को दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब दिला तो या फिर एप्पल जूस पिला तो, मैं फलों का राजा हूँ, आम कहलाता हूँ, नारंगी पीला मेरा रंग बड़ी बीज के संग, मैं हूँ रसीला फल, खट्टा मीठा मेरा स्वाद, गर्मी में आता हो बाकी दिन चिप जाता हो, अंगूर अंगूर हरी लाल काली रस तुम्हारा ताजा, कोई तुमको बुलाए हिप हिप हुरे, चलो सब मिलकर पिए, पापा पापा पपीता, पापा खाओ पपीता, मम्मी खाओ पपीता, सभी खाओ पपीता, पापा पापा पपीता, टीचर खाओ पपीता, दोस्त खाओ पपीता, सेहत बनाए पपीता, तरबूज तरबूज हो तरबूजी, तरबूज तरबूज हो तरबूजी, तरबूज है मीठा रसीला सबको बुझाए प्यास, तरबूज है मीठा रसीला मिलके खाए आज। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खदीजा, मैं दूसरे कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ तितली रानी नामक गान प्रस्तुत करने के जा रही हूँ। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आयो हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी बातें, वो तुमको के कैसे लगते, जो फूल तोड़ ले जाते हैं, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो। धन्यवाद। मेरा नाम फिदा है। आज मैं आप सभी को तितली पर एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी स्यानी, रंग बिरंगे पंख सजी ले, लाल गुलाबी नीले पीले, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी स्यानी, फूल फूल पर जाती हो, गुन 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 गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उड़ जाती हो, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी स्यानी, अपने कोमल पंख दिखाती हो, सबको उनसे सहलाती हो, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी स्यानी, इस बगीचे में आना रानी, तितली रानी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ आपका साथ आयशा मारे। पहले कोरोना का केंद्र में देश में अब तक कोरोना संक्रमण से है चुकी है 3 लाख से ज्यादा लोग में की मौत है। लक्षद्वीप प्रशासन ने दिया हाईकोर्ट का न्यायाधिकरण क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देशवासियों को योग से निरोग रहने का संदेश दिलाएंगे। अब गेल की जानकारी। क्रिकेट, जोमिसन और कौन रतन पर की हानि, आईसीसी टूर्नामेंट के लिए दावा करेगा बीसीसीआई। और मौसम की जानकारी, देश का सभी राज्यों को मौसम का हाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार को 3 जिले में भारी भारी बारिश। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। मैं पहला कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम गिद्धली है। मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मेरी मम्मी प्यारी है, सारी जग सी न्यारी है, मुझको गाना खिलाती है, लोरी गाना सुलाती है, रोज दूध पिलाती है, स्कूल को ले जाती है। मेरी मम्मी प्यारी है, सारी जग सी न्यारी है। देखिए बाप। सुप्रभात, मेरा नाम आईदिन, मैं तीसरा कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वाली है। मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता सुना रहा दू। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, इसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत दगा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबको आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम भारत की पहचान है हिंदी, हम भारत की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम फैजा मचेली जेली रानी है, जीवन नुस्का पानी है, आग लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सलामुअलैकुम, नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद रैन है। मैं दूसरा कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वैली है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की छात्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की छात्र की भाषा। देवनागरी लिखने भाषा, चंद चंद के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिखने भाषा, चंद चंद के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की छात्र की भाषा। भारत की सारी भाषा इस भाषा है बहने है, भारत की सारी भाषा इस भाषा है बहने है। मुगड़ राष्ट्र शाह के सिर पर शोभित इसके कहने हैं, मुगड़ राष्ट्र शाह के सिर पर शोभित इसके कहने हैं। पढ़ो ही जो दिखे, सुनो ही जो लिखे, पढ़ो वही जो दिखे, सुनो वही जो लिखे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की छात्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के छात्र की भाषा। धन्यवाद।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम आयशा मरियम, मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में तीन सरा कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं चिकन सैंडविच बनाती हूँ। आवश्यक वस्तुएं: टमाटो सॉस, मायोनेज, ब्रेड, चीज, चिकन, लेट्यूस, चिल्ली फ्लेक्स, बटर। तैयार करो। अब सॉस बनाती हूँ। सैंडविच तैयार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम मैशा, मैं तीन सरा कक्षा में पढ़ती हूँ। आप के जानते हैं कलम का सिपाही प्रेमचंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1800 अस्टी का वाराणसी जिले का लवह नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजय राम था। माता पिता बचपन में ही मरे गए तो उनका बचपन बहुत संघर्ष में था। उन्होंने 1 दर्जन उपन्यास और 300 अधिक कहानियां लिखी। गायक इस महान कथाकार उपन्यासकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषण किया गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आयशा जासर दूसरा कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है। अच्छे आदतें: सुबह रोजाना जल्दी उठो, रात में ज्यादा समय तक मत जागो, दिन में 2 बार दांत साफ करो, रोजाना अच्छे से नहाना चाहिए, रोजाना व्यायाम करो, हमेशा ईमानदार और सच्चे बनो। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। تصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رغاء أحب رقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع मन की भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है भारत जन की भाषा धन्यवाद सुप्रभात मेरा नाम आहिल जरून मैं तीसरा कक्षा में पढ़ता हूँ आज 14 सितंबर हिंदी दिवस हिंदी हमारी शान है देश का अभिमान है धन्यवाद منادي منادي الفلا تراه لذاك يحوث خطى تراه لذاك يحوث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتمتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يصيل على مصحف به يغسل الله سخما أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي نمسكار میرا نام عائشہ میں ساتویں ککشا ہی پڑھتا ہوں میرا نام درویش میں ساتویں ککشا میں پڑھتا ہوں میرا نام روزی میں ساتویں ککشا میں پڑھتا ہوں بھارت رتن ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے بات میں بتانا چاہتا ہوں 5 ستمبر کی شام ایک گھر کے باہر کچھ لوگ نے ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے تھے ان میں ادھیاپکوں اور ودیارتھی بھی تھے घर का दरवाजा खोला और एक सज्जन मुस्कुराते हुए बाहर आए इन्हें देखते ही सब एक स्वर में बोल उठे जन्मदिन की बधाई हो सज्जन ने बड़े आदर के साथ सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए बैठते हुए एक शिक्षक ने उनसे कहा डॉक्टर साहब आज आपका जन्मदिन है इस अवसर पर हम आपको कुछ देना चाहता शिक्षक होने के नाता हमारा कर्तव्य है हम अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षक दें कि वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके इस अवसर पर यदि आप सब मुझे बहार देना चाहता है तो मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर का दिन किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तभी से प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ऐसे दे हम सजी के प्रिय शिक्षक और भारत के द्रुदी राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष अध्यापन काल में बिताए धन्यवाद अस्सलामु अलैकुम Bye bye junk food. Rifa, nasta abhi tak finish nahi hua. Mummy, nasta dekar mujhe uthi aa rahi hai. Aare apna tiffin to leti jao. Ki mummy main candy se burger galungi. Kh
देर बाद। फिर मैम दांत रहे। डॉक्टर रिफा सुबह से शाम जंक फूड खाती है, तो सुबह से शाम तक इंजेक्शन लेने पड़ोंगे। नहीं डॉक्टर, इंजेक्शन नहीं लगाओ। मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम नीमा, मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर विशेषैया को बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। विशेषैया ने बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को एक हुआ था। विशेषैया का पूरा नाम है मोक्षगुंडम विशेषैया। उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। बच्चों के लिए वे मिलों पैदल चलते थे। डॉक्टर विशेषैया को बांध बनवाने में कुशलता प्राप्त की। कृष्णराज सागर बांध की पास ही उन्होंने वृंदावन गार्डन बनवाया। भारत सरकार ने उन्हें उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए स्वच्छ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके जन्म दिवस के अभियांत्रिकी दिवस का नाम दिया। हम प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियांत्रिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन की मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सर पर शोभित इसके गहने। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन है, हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतीक संगीत परी मन पावन, पावन प्रीति परी मन पावन, पावन प्रीति परी। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। मेरा नाम नहर नासर, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सबको मेरी ओर से हिंदी दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम नजा नौशाद, मैं नवीन कक्षा में पढ़ती हूँ। सबको मेरे ओर से हिंदी दिन की शुभकामनाएं। मेरा नाम एहतिशा, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। सबको मेरे ओर की हिंदी दिन शुभकामनाएं। मेरे नाम हमदा, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम दिलजा है, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। सबको मेरी ओर से हिंदी दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मोहम्मद आदिल खान हूँ और आप ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के कवरें देख रहे हैं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को भारत की केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा की घोषणा के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। बोहर राजेंद्र सिम्हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कलेकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास जैसे लोगों ने भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हिंदी के पक्ष में जोरदार पैरवी की। भाषा और उसके इतिहास को समर्पित दो अलग अलग दिन हैं। यह भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और हम आपको अगली बार देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सभी को पता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत में 70 प्रदेश से भी अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते और बोलते भी हैं। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में हिंदी भाषा संबंधित कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज़्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी राजधानी है। धन्यवाद। हे अस्सलाम वालेकुम, तुम कहाँ जा रहा है? वालेकुम सलाम हाजिर, मुझे कबूतर रिपोर्टिंग करने लिए। ये दो सालों में क्या है? ये दो दहरा के कचरा है, अकार्बनिक और कार्बनिक कचरा। वह क्या है? कार्बनिक कचरा में अंडा की दलकी, फूल की दलकी, सब्जी की दलकी है। अकार्बनिक कचरा में प्लास्टिक और थर्माकोल। ये हम क्या करें? कार्बनिक कचरा में गाद बनाते हैं। अकार्बनिक कचरा में पुनर्चक्र द्वारा उपयोग वस्तु बनाते हैं। ये बहुत खतरनाक है ना? गाड़ी ले लिए कपटे के कैली हम साथ करता लिए। जरूर, मैंने निश्चय किया। धन्यवाद मेरा दोस्त। نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي